हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले यहाँ पे दी हुई डेफिनेशन बायोलॉजी की, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यानी बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। लाइफ फॉर्म का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको लाइफ फॉर्म कहते हैं। लिविंग प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, केमिकल रिएक्शन या डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोसेस, या वो ऑर्गेनिज्म खुद से जो कि प्रोसेस करते हैं डिफरेंट टाइप के लोकोमोशन, यहाँ से वहाँ चल के जाना या रिप्रोड्यूस करना, ये सारे, या लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड अन्य टाइप के जो भी प्रोसेस जैसे इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस, इन सभी को मिला के हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में दिया हुआ है सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग, यानी कि जीवित क्या है, जीवन क्या होता है। तो जीवन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया हैं कि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। पहला कि वो ग्रो करता होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस, ये कैसे ग्रो करते हैं, ये क्या करते हैं कि सेल को अपने डिवाइड कराते हैं बार बार, इनके जो सेल हैं वो बार बार डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन ही अगर हम ले लें तो सबसे पहले क्या होता है, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, ये दोनों मिलते हैं तो फिर एक सिंगल सेल बनता है जो कि होता है जाइगोट, जो कि एक सिंगल वन सेल्ड है बस। इसके बाद ये डिवाइड करता है और मल्टी सेल्ड इम्ब्रियो बन जाता है। अब ये इम्ब्रियो जो है इसमें जो सेल्स होते हैं बार बार डिवाइड करते हैं और एक बेबी बन जाता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। फिर ये बेबी में कई सेल डिवाइड करते करते एडल्ट बन जाता है। एडल्ट जब हो जाता है तो सेल डिवीजन लगभग लगभग नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कोई रिपेयर करना हो, कोई सेल जो पुराने हो रहे हों उनको रिप्लेस करने के लिए, नए सेल बनने के लिए डिवीजन होता रहता है। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से होती है। कई बार हमारी कुछ सेल्स क्या करती हैं कि वो एक्स्ट्रा मास भी लेती हैं, जैसे हमारी जो फैट वाली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैट अपने में जब इकट्ठा करती हैं तो उससे भी इनका मास बढ़ जाता है। लेकिन ओवरऑल सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं मेनली वो अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, वो डिवीजन करके ही करते हैं। उसी तरीके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ये भी जो डिवीजन करते हैं वो भी एक बैक्टीरिया है तो वो डिवाइड करके दो बैक्टीरियम कन्वर्ट हो जाएगी, दो से चार हो जाएगी, इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अब ग्रो करता है, वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि ग्रोथ जो है और उसको अचीव करने के लिए मेनली रिप्रोडक्शन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो सेल जो है वो बार बार डिवाइड करती हैं और वो ग्रो करती हैं, फिर ऑर्गेनिज्म को अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो रिप्रोड्यूस करता है, फिर दर नई सेल्स जो बनती हैं वो भी डिवाइड करती हैं। इस तरीके से जो सेल्स हैं डिवाइड करती जाती हैं, यही एक तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ है। नॉन लिविंग जो मैटर होता है क्या वो भी ग्रोथ करता है, सोच के देखिए। हाँ बिल्कुल ग्रो करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि माउंटेन वगैरह है, हमने सुना होगा कि हिमालय एक माउंटेन है, वो ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है, नीचे से उसमें जो है रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी ग्रो कर रहा है नॉन। तो ये जो ग्रोथ का फिनोमेना है वो नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, लेकिन जो लिविंग है उनमें खास टाइप से ग्रोथ होती है जो कि मेनली उनके सेल डिवीजन जैसे प्रोसेस के थ्रू ही होती है। तो ये खास बात होगी कि लिविंग का जो ग्रोथ है वो एक खास तरीके से होता है। फिर एक क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करना, संतति करना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके बच्चे होते हैं उसी को हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आमतौर पर वो कैसे करते हैं कि दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल्स आते हैं साथ में, फिर उन वो अपने जो कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स को मर्ज कराते हैं एक दूसरे से और एक न्यू बॉर्न पैदा होता है। और जो आमतौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ इस टाइप से करते हैं, एक सिंगल सेल से दो इस तरीके से बन जाता है। तो कई बार इस सेल भी डिवाइड हो जाता है, कई बार इस सेल से कुछ ऐसा बड टाइप का अराइज हो जाता है कि वो जो बड है फर्दर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, यानी कि कोई सेल है वो खुद ऐसे ब्रेक कर गया तो वो क्या हुआ, एक से दो बन गया। अमीबा जो है जो कि यूनिसेलुलर होता है उसमें जो ग्रोथ होती है वो भी मेनली कैसे ही होती है कि वो डिवीजन रिप्रोड्यूस के थ्रू ही ग्रो करता है, यानी कि एक से दो होता है यही उसकी ग्रोथ है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और नॉन लिविंग में क्या रिप्रोडक्शन संभव है, यूजुअली
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेयर है, वो एक चेयर से दो चेयर तो नहीं हो जाती है। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिवली करेक्टर माना जाता है लिविंग का, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ स्टेराइल मेंबर्स भी होते हैं, जैसे ह्यूमंस में कई लोग स्टेराइल होते हैं, ठीक है, बाय चॉइस या बाय बायोलॉजी। म्यूल्स जो होते हैं यानी कि खच्चर, ये भी स्टेराइल होते हैं। वर्कर बी जो मधुमक्खियों में होती हैं वो भी स्टेराइल होती हैं। तो इस तरीके सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ज़रूरी नहीं वो रिप्रोड्यूस करें, लेकिन ओवरऑल कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला करेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या है, देखिए, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, वो सारे रिएक्शन को हम मिला दें तो उसको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही यूजुअली होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने अपने लैब्स में भी कई लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले रिएक्शन बाहर टेस्ट ट्यूब में भी करा दिए हैं, ठीक है। कई बार तो हम सिंथेटिक लाइफ भी क्रिएट करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो एक देखा जाए ये क्या एक्सेप्शन हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन ऐसा कहना कि हम बाहर करा लेते हैं इसका ये मतलब नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम क्रिएट कर ले रहे हैं। अगर हम टोटल सक्सेसफुल हो जाए सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को बाहर कराने में तो हम आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो तब क्या कहलाएगी, लाइफ। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने देखा है कि सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस पाया जाता है, अन्य टाइप के गोल्गी ऑपरेटर्स वगैरह पाए जाते हैं। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिम्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये भी, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले विभिन्न टाइप के परिस्थितियों को सेंस कर सकता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, उसने सांप देखा और वो भाग खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या कोई नॉन लिविंग चेयर के पास सांप गया तो चेयर भाग खड़ी होगी, नहीं होगी ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करना और उसके हिसाब से रिस्पांस देना, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो जीवित संसार है उसमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वायरस भी पाया जाता है जो कि लिविंग नॉन लिविंग के लगभग बीच का है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसके बाद अन्य टाइप के प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिर यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के मल्टीसेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके एडवांस प्लांट एनिमल ह्यूमंस बर्ड ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो किसी भी एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, अगर मान लीजिए इस एरिया में 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 10 स्पीसीज पाई जाती होंगी वर्सेज सेम ऐसा ही एक एरिया ले लें जिसमें सिर्फ 5 ही स्पीसीज पाई जाती होंगी, तो ये कहेंगे कि इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा है, इसकी थोड़ा कम है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किसी खास एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है वो होती है। तो हमारे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि कैसे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एक अमेरिकन आता है और कहता है एक इंडियन से कि मेरे यहाँ एक प्लांट पाया जाता है जिसकी लीफ जो है उसको खाने से लोगों का फीवर ठीक हो जाता है, उसकी जड़ भी जो है वो अगर खिला दे तो लोगों का पेट दर्द सही हो जाता है, इवन उसकी पत्ती अगर हम सुखा के उसको जला दे तो मच्छर वगैरह भाग जाते हैं। तो इंडियन मुझसे कहता है कि ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लांट है, एक प्लांट आइए नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी लेते आइए। तो वो क्या करता है, प्लांट लेकर आता है अमेरिकन। तो इंडियन कहता है अरे ये तो नीम है। तो कहता है अच्छा ये आपके यहाँ भी होता है, नीम। तो इसका ये है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एक ही टाइप के प्लांट पाए जा सकते हैं बिल्कुल, या एनिमल पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका नाम जो है हम क्या करते हैं, हम अलग अलग नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में ही डिफरेंट टाइप के प्लांट एनिमल का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो उनकी कैसे स्टडी की जाए ऐसे तरीके से कि
जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें इस तरीके से कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, हर कोई एक ही तरीके से जाने, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम रख दिए हैं। तो इस तरीके से कुछ नियम बने होंगे, जैसे हम जानते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का नाम देने के लिए IUPAC सिस्टम है, उसी तरीके से बायोलॉजी में भी दो संस्थाएँ हैं, एक है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इसी तरीके से इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों सिस्टम्स ने मिलकर डेवलप किया है प्लांट और एनिमल को कैसे नाम दिया जाए। तो ह्यूमंस अपने लोकल लैंग्वेज में किसी भी प्लांट एनिमल को कुछ भी कहते हो, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ कोड बना दिए हैं कि नहीं, एक ऐसा साइंटिफिक नेम होना चाहिए डिफरेंट टाइप के एनिमल और प्लांट का, ताकि हर जगह वो यूनिवर्सली जाना जाए। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम या बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में बायोनॉमिकल नेम भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप से हम नेम कर सकते हैं। पहले तो अगर वो कोई प्लांट है तो क्या होगा, बॉटनिकल नेम, और अगर वो एनिमल है तो हो गया जूलॉजिकल नेम। इन दोनों को कॉमनली मिला के कहा जा सकता है बायोलॉजिकल नेम। अब ये नाम देते कैसे हैं, नाम देते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसे होता है अब देखते हैं। अब किसी ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाम देते कैसे हैं, उसके तरीके में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, जैसे टाइगर का नाम आपने सुना होगा पैंथेरा टाइग्रिस, इस तरीके से लिखा होता है पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें जो पहला होता है ये नाम पैंथेरा, इसको हम कहते हैं जीनस का नेम। अभी आगे आ गया जीनस होता क्या है, टाइग्रिस जो होता है ये इसके स्पीसीज का नेम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो है ये इसके जीनस का नाम कहलाता है, जेनेरिक नेम कहते हैं, और इंडिका जो है ये इसके स्पीसीज का नेम है। अब कई बार क्या करते हैं कि जब इस तरीके से हम लिख देते हैं मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद जो इसका ऑथर होता है, ऑथर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना जिसने सबसे, कोई साइंटिस्ट होगा जिसने सबसे पहले इस प्लांट के नाम को दिया होगा, तो वो क्या करते हैं बाद में उस आदमी के नाम को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं लिन। लिन का मतलब है लिनियस, कैरोलस लिनियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैंजीफेरा इंडिका नाम मैंगो को दिया था, यानी आम को नाम ये दिया था, तो इसलिए उनका नाम जो है बाद में इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब ये देखिए इटैलिक्स में लिखा, इटैलिक मतलब टेढ़े अक्षरों में जो लिखा जाता है, टेढ़े अक्षरों में जब प्रिंट किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन जब हम उसको हाथ से लिखते हैं तो अधिकतर लोगों की राइटिंग या तो टेढ़ी होती है या सीधी होती है, तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो ये नाम लिख देते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया, मैंजीफेरा फिर इंडिका, फिर ये दोनों को अंडरलाइन करते हैं, इंडिविजुअली अंडरलाइन करते हैं, यानी कि दो अलग अलग अंडरलाइंस है। उसके बाद अगर लिन लिखना हो लिन लिख दिया, इस तरीके से होता है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब हम देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो है फेमस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने, इनका नाम एक्चुअल में था कार्ल फॉन लिने, यहाँ पे लिखा हुआ है लिने, इनका नाम था कार्ल फॉन लिने, लेकिन इन्होंने अपना नाम खुद बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार क्या किया, कैरोलस लिनियस कर लिया, कैरोलस लिनियस, सही उच्चारण है कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक बुक लिखी सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे में इन्होंने ढेर सारे स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया, और उन्होंने वहाँ पे इन सारे स्पीसीज का लगभग बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दे डाला। तो इन्होंने अपनी बुक में क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिम को सबसे पहले एक क्राइटेरियम डाला कि वो हाँ लिविंग ऑर्गेनिम लाइफ। अब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम को उन्होंने डिफरेंट मेजर डोमेन्स में डाला। डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक डोमेन कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक ये तरीका हो सकता है यूनि या मल्टी, या डोमेन कहने का एक और भी तरीका हो सकता है कि वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। हमने पढ़ा होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के डोमेन्स को उन्होंने डिफरेंट टाइप के किंगडम से डिवाइड कर दिया, जैसे यूकैरियोट का डिफरेंट किंगडम हो सकता है एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, इस टाइप से उन्होंने किंगडम्स बना दिए। अब एक किंगडम में कई फाइलम्स होते हैं, जैसे एनिमल
किंगडम में डिफरेंट टाइप के फाइलम्स पॉसिबल हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, या आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वो जिनमें इंसेक्ट क्रैब्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरीके से मोलस्का भी हो सकता है जिसमें घोंघे वगैरह आते हैं, स्नेल्स वगैरह, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फाइलम्स होते हैं। अब एक फाइलम में कई क्लासेज होती हैं, फिर उस क्लास के अंदर कई ऑर्डर्स होते हैं, एक ऑर्डर में कई फैमिलीज होती हैं, एक फैमिली में कई जीनस होती हैं और उस जीनस में कई स्पीसीज होती हैं। तो बायोलॉजिकल नेम में आया था ना जीनस और स्पीसीज, ठीक है, तो इसी से मिला के बायोलॉजिकल नेम बन जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल टाइगर जो है एक एनिमल है, तो उसका किंगडम एनिमलिया हो गया, फाइलम कॉर्डेटा में आता है, क्लास उसका है मैमलिया यानी मैमल। कॉर्डेट के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉर्डेट्स आते होंगे, उनमें मैमल्स जो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो एक खास टाइप के क्लास में आते हैं जो कि मैमलिया। फिर उसके अंदर भी कई टाइप के ऑर्डर्स होंगे, कुछ होंगे जो कि घास खाते होंगे, कुछ होंगे जो कि एनिमल्स खाते होंगे, तो ये आता है कार्निवोरा ऑर्डर में जो कि क्या खाते हैं, एनिमल्स, अदर एनिमल्स को खाते हैं। फिर सब ऑर्डर है, फिर फैमिली फेलाइडी, फेलाइडी का मतलब कैट फैमिली, फिर इसके अंदर भी एक सब फैमिली है पैंथेरी, पैंथेराइनी, फिर इसका जीनस है पैंथेरा और इसकी स्पीसीज है टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो क्या है, ये टाइगर, इंडियन टाइगर। अब उसी तरीके से हम पोटैटो का क्लासिफिकेशन देखते हैं, पोटैटो क्या है, वो किंगडम प्लांटी में आता है। फिर ये क्लैड ग्रुप्स इसके डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, ये प्लांट के केसेस में कई बार क्या आते हैं, क्लैड रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि प्लांट में वो लोग कई बार डिवीजन करने के लिए एग्जैक्ट इन सारे सिस्टम का ना प्रयोग करके अन्य टाइप के सिस्टम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा नहीं है। यहाँ पे फिर आता है देखने के बाद ऑर्डर फैमिली, प्लांट केस में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्डर सोलेनेल्स, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आते हैं, जैसे सोलेनेसी में एक तो पोटैटो आ गया, उसके अलावा सोलेनेसी में ब्रिंजल भी आता है, चिली भी आता है, ये सब सोलेनेसी में आते हैं। जीनस इसका है सोलेनम और स्पीसीज है ट्यूबरोसम। तो इस तरीके से यहाँ देखिए नाम में फिर एल लिख गया यानी कि लीनियस ने दिया था, यहाँ पे भी लीनियस नाम आ गया। तो क्लासिफिकेशन में ये होता है सिस्टम। हमें याद क्या रखना है इसमें, जब क्लासिफिकेशन का ये ऑर्डर पूछा जाता है किस ऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है, तो लाइफ और डोमेन तो ये कॉमन है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से याद करना चाहिए किंगडम, फिर फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। तो इस तरीके से आप कोड बना के भी याद कर सकते हैं इसको, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज, ये सारे जो डिफरेंट लेवल्स हैं इनको हम कहते हैं टैक्सा, एक एक को हम टैक्सा कहते हैं, ठीक है। टैक्सा मतलब ये लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यही है बस। तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमी क्या हो जाती है, टैक्सोनॉमी का मतलब जो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसीजर दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिम्स। फिर आता है सिस्टमेटिक्स, अब यह भी एक टर्म है। तो नोविंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिम एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो अगर हम बेसिकली सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिम का तो वो तो हो जाएगा टैक्सोनॉमी, लेकिन अगर हमें जानना हो कि दो स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो हो जाता है सिस्टमेटिक्स। तो कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स, और उनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे वही है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, मैंने बताया टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन वो होते हैं डिफरेंट टाइप के जो रैंक्स थी जिन, जैसे फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज, ये सारे एक एक को टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा, ये सारे रैंक्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी ऑर्गेनिम को हम क्लासीफाई करते हैं। अब नीचे से इन्होंने एक एक टैक्सा को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया है। पहला जो टैक्सा है वो है स्पीसीज, स्पीसीज जो टैक्सा है वो क्या होती है, यहाँ पे कहीं भी सही से दिया नहीं हुआ है स्पीसीज की डिफिनेशन। तो मेंजीफेरा इंडिका में उसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो में उसकी स्पीसीज क्या है, ट्यूबरोसम। पैंथेरा लियो जो कि लायन होता है उसकी स्पीसीज क्या है, लियो। ओके, अब देखने की बात है कि स्पीसीज होती क्या है, स्पीसीज यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स होती हैं जिसमें क्या होता है, जिनमें अंतः प्रजनन संभव है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम जो अगर एक
रिप्रोड्यूस करें तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म देंगे। फॉर एग्जांपल लायन जो है उसमें मेल, लायन मेल और लायन की फीमेल अगर रिप्रोड्यूस करें तो वो एक लायन कब को, कब यानी छोटे लायन को जन्म दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर लायन और एक टाइगर रिप्रोड्यूस करना चाहें तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते नेचर में आमतौर पर, और अगर वो रिप्रोड्यूस करते भी हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है फर्टाइल नहीं होता है। तो स्पीसीज होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करें और जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है कि वो स्पीसीज होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो डॉग्स होते हैं भले उनका लुक डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइप के डॉग्स हमने देखे हैं कि एक जर्मन शेफर्ड होता है, बीगल होता है, लेकिन वो सारे आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और जो भी उनका मिक्सचर और ऑफ स्प्रिंग आता है वो फर्टाइल ही होता है। तो इस तरीके से सारे डॉग भले वो दिखने में अलग अलग दिखते हों लेकिन वो सारे एक ही स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। फिर कई स्पीसीज मिल के क्या बनाती हैं, एक जीनस बनाती हैं। जीनस भी हम बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर में देख चुके हैं, जैसे पैंथेरा लियो में जो पैंथेरा था वो उसका जीनस था, सोलेनम नाइग्रम में, सोलेनम ट्यूबरोसम में सोलेनम जो था वो जीनस था। तो कई एक जैसी दिखने वाली स्पीसीज को मिला के हम एक रख देते हैं जीनस में। फॉर एग्जांपल सारी जो बड़ी कैट्स हैं वो एक ही जीनस में आती हैं, देखते हैं कैसे। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ये दोनों क्या हैं, बड़ी कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स का स्पीसीज अलग है, लियो लायन के लिए और टाइग्रिस टाइगर के लिए, लेकिन इन दोनों का जीनस जो है वो सेम है। तो आपने देखा कि स्पीसीज अलग थी, ये दोनों प्रजनन आपस में नहीं कर सकते थे लेकिन दोनों बड़ी कैट्स थी तो इसलिए इनका जो जीनस था वो एक हो गया। अब आ जाता है फैमिलीज, तो डिफरेंट टाइप के जीनस जो एक जैसे होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होंगे लेकिन इतना सिमिलरिटी होगी कि एक साथ ग्रुप में रखे जाएं तो एक बड़ा जो उनका ग्रुप बन गया वो गया फैमिली। फॉर एग्जांपल बिग कैट और स्मॉल कैट, डोमेस्टिक कैट जो होती हैं वो सारी मिला के एक फैमिली हो जाती हैं, जैसे फैमिली फेलाइडी, ठीक है। फैमिली फेलाइडी यानी कैट फैमिली, इसमें बिग कैट भी होंगी, ठीक है, बिग कैट्स भी होंगी और स्मॉल कैट्स भी होंगी। तो फेलाइडी फैमिली में कैट्स आती हैं, बिग हों चाहे स्मॉल, इस तरीके से एक ग्रुप बन गया। सेम ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ऑर्डर आ जाएगा, फिर क्लास आ जाएगा, फिर फाइलम आ जाएगा, फिर किंगडम आ जाएगा। तो ये आपको ये वाला याद रख लेना चाहिए, नीचे से ऊपर याद करने से आसान है, हमेशा ऊपर से नीचे याद करना है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, आप कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही फिर एग्जांपल दिया है, जैसे कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, उसका जीनस क्या हो गया होमो, स्पीसीज है सेपियंस, इसकी फैमिली होमिनाइडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमलिया, फाइलम कोर्डेटा। फाइलम या डिवीजन ये क्या है, देखते हैं, फाइलम और डिवीजन एक ही चीज़ है एक्चुअल में। फाइलम टर्म जो है वो जूलॉजिस्ट यूज करते हैं ज़्यादा और डिवीजन टर्म जो है वो बॉटनिस्ट ज़्यादा यूज करते हैं, वही चीज़ है, फील्ड ऑफ स्टडी अलग है बस, जूलॉजी या बॉटनी, ठीक है। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का नाम जो है जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका, फैमिली मस्काइडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट आते हैं इस क्लास में, फाइलम जो इसका आर्थ्रोपोडा है, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, एनाकार्डियेसी फैमिली है, सेपिनडेल्स जो इसका ऑर्डर है, डाइको डाइकोटॉयलिनोडी जो है उसका क्लास है, एंजियोस्पर्मी उसका जो है वो डिवीजन है, इसी तरह वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि इसका जीनस है, ट्रिटिकम स्पीसीज एस्टिवम, पोएसी फैमिली यानी घास की फैमिली में पाया जाता है, ऑर्डर है पोएल्स, मोनोकॉटिलाइनिडी, इसका मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट यही डिफरेंस है, इसीलिए ये क्लास जो है वो किस टाइप के उनमें कॉटिलीडन पाए जाते हैं उस बेसिस पे, जो कि आप आगे पढ़ेंगे कॉटिलीडन क्या होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म मी में आता है, एंजियोस्पर्म वो फ्लावरिंग प्लांट का जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मी, जैसे जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब टैक्सोनॉमिक एड्स, इसका मतलब है कि विभिन्न टाइप के टूल्स क्या अवेलेबल हैं टैक्सोनॉमी करने के लिए, अगर हम किसी ऑर्गेनिम को क्लासिफाई करना चाहते हैं इस सिस्टम के बेसिस पे तो कैसे हम क्लासिफाई करें, हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं। आज तो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, पहला तो जो हम वर्ल्ड में डायरेक्टली हम रीच कर सकते हैं, यानी कि एक तो फॉरेस्ट है जहाँ पर हम जाके किसी ऑर्गेनिम की स्टडी कर सकते हैं,
उसके अलावा सी फॉरेस्ट, सी ओशियन यानी नेचुरल हैबिटेट है, उसके अलावा आर्टिफिशियल हैबिटेट्स भी हैं, जैसे हो गया हमारा बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म्स को इकट्ठा करके रखे हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के मैन मेड रिसोर्सेज भी हैं, जैसे हर्बेरियम वगैरह, उसमें हम प्लांट के सैंपल वगैरह कलेक्ट कर देते हैं, या म्यूजियम्स वगैरह जिसमें एनिमल्स वगैरह जो मर गए हैं उनके खाल को हम किसी तरह से प्रिजर्व कर लेते हैं और सेफ वे मेंटेन करके उनको रखते हैं ताकि बस स्टडी की जाए मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस भी मिलते हैं, आपने देखा होगा कि शीशे की बोतलों में फार्मेलिन में प्रिजर्व्ड एनिमल प्लांट के स्पीसीज के डिफरेंट सैंपल्स रखे जाते हैं। उसके अलावा भी एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है जो कि है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे क्या है, डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिसमें हम फोटोज के माध्यम से या अन्य टाइप के मॉडल्स के बेसिस पे या डिफरेंट टाइप के डेटा बैंक्स के माध्यम पे, चाहे वो डीएनए डेटा बैंक हो, आरएनए डेटा बैंक हो, ये सब भी टैक्सोनॉमी करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, देखिए हर्बेरियम ये होता है, हर्बेरियम में एक सीट लेते हैं, पेपर की सीट लेते हैं, उस पर प्लांट का इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे वो प्लांट पहचाना जा सके उसको लगा देते हैं। अब देखिए ये है हमारा हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, इसमें उन्होंने उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि लीफ और फ्लावर, प्लांट कैसे पहचाना जाता है, मैंने लीफ फ्लावर फ्रूट से ही पहचाना जाता है, कोई रूट से तो प्लांट यूजली पहचाना नहीं जाता है आमतौर पे, तो इन यहाँ पे इन्होंने लीफ और फ्लावर लगा दिया है जो उसका करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद इसको प्रिजर्व कर दिया गया होगा और इस तरीके से फाइल में ढेर सारे रख दिए होंगे, इसी तरीके से गेंदे का फूल है मैरीगोल्ड, ठीक है, तो कई बार रूट भी लगाई जा सकती है लेकिन कोई बहुत ज़रूरी नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन फीचर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पेपर पे लगा के सुखा देते हैं और उसको फाइल बना के रख लेते हैं ताकि बाद में पहचाना जा सके, इसको कहते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम के इस तरीके से काफ़ी कलेक्शन होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, अन्य जगह। बॉटेनिकल गार्डन्स ये क्या होते हैं, जंगलों में कई स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट की, या कई स्पीसीज होती हैं जो कि लोग खेतों में उगाते भी हैं यानी नेचर में पाई जाती हैं और कल्टिवेटेड भी होती हैं, लेकिन अगर हमें कई बार स्टडी करना हो तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो उतना दूर जंगल में तो जा नहीं सकते हैं, तो कई बार क्या की जाती हैं, उन स्पीसीज को ला के हम एक गार्डन, काफ़ी बड़ा गार्डन होता है उसमें उस स्पीसीज को ग्रो कराई जाती है वहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो साइंटिस्ट इस बॉटनिकल गार्डन में जाके उस प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, या NBRI जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। म्यूजियम में जो स्पेसिमेन होते हैं आमतौर पर जीवित नहीं होते, म्यूजियम में दो तरह के स्पेसिमेन हो सकते हैं, तो बॉटल में जो बंद होते हैं यानी कि कोई ऐसे बर्ड मर गई तो बर्ड को उन्होंने फार्मेलिन में प्रिजर्व करके यहाँ रख दिया, ये हो सकता है, या एक हो सकता है बर्ड मर गई तो बर्ड की खाल निकाल ली और उसके अंदर कोई मटीरियल, इनर्ट मटीरियल भर के उसका इस तरह से स्टैचू बना दिया, तो म्यूजियम में इस तरीके से ही रखे जाते हैं, इसको कहते हैं म्यूजियम स्पेसिमेंस। नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जू। जू में क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज को ला के रखा जाता है, लोग इसको देखते भी हैं, साइंटिस्ट इसकी स्टडी भी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टडी पॉसिबल हैं, फॉर एग्जांपल तो हम देख भी सकते हैं, लुक करके भी जो स्टडी कर सकते हैं वो, उसके अलावा बिहेवियर की स्टडी करना, उनके प्रजनन की स्टडी करना। जू का अन्य पर्पज भी हैं, जू कई बार यूज किए जाते हैं किसी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर जंगल में शेर खत्म हो रहे हैं, राइनोसोरस खत्म हो रहे हैं, तो उनको जू में ला के रख सकते हैं जहाँ डॉक्टर की 24 आवर केयर उनको मिल सकती है, तो इस तरीके से स्पीसीज को कंजर्व की जाती है। नेक्स्ट आता है की। की जो है इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन ये है, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इस डेफिनेशन से कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए की क्या होता है समझते हैं, ये एक ऑनलाइन हर्बेरिया है जो कि LSU हर्बेरिया की वेबसाइट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पेसिमेन हम देख पा रहे हैं अपने सामने। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये एक प्लांट है जो लीफ देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, ये क्या है, पोगोनिया ओफिग्लोसोइडिस, ये एक प्लांट है। इसकी क्या खास बात है, ये कैसे पहचाना जाएगा, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं की सिस्टम का। की कैसे होगा, अब देखिए ये सीड क्या है? इतने इनमें जो सारे प्लांट पाए जा रहे हैं किन में सीड नहीं है, क्लिक कर देंगे तो सीड इज एब्सेंट, तो ये सारे प्लांट जो हैं वो सीड के एब्सेंस की वजह से पहचाने जा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्टोमेटा, इनमें से कितने में स्टोमेटा एब्सेंट है, इतने में स्टोमेटा एब्सेंट है,
कितने में रूट जो है वो अब्सेंट है, इन सारे में रूट अब्सेंट है, किन में जो स्पोर जो है वो प्रेजेंट है, सिर्फ इतने में स्पोर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप किसी स्पीसीज को जानते हो कि उसमें जो है स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, उसमें सीड नहीं पाई जाती है, लेकिन स्पोर पाए जाते हैं, तो उस तरीके से आप नैरो डाउन कर सकते हैं उस स्पीसीज को। अब एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से देखा जाए कि कैसे कीज काम करती हैं, और की की डिफिनीशन से दो चीज़ हम निकाल लेते हैं, कपलेट्स और लीड। कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। तो यानी कि अगर लिखा होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, स्टोमेटा पहला प्रेजेंट, दूसरा अब्सेंट, इन दोनों को कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को मिला कहेंगे कपलेट, और किसी एक को हम कहेंगे लीड। तो प्रेजेंट भी एक लीड है, अब्सेंट भी एक लीड है, इन दोनों को मिला के हमें कपलेट कहते हैं। ये की होती हैं जिससे किसी स्पीसीज को पहचानने में मदद मिलती है। अगर हम बड़ी कैट्स की फैमिली के डिफरेंट पिक्चर्स रख दिए जाएँ और कहा जाए कि आप पहचानिए इसमें टाइगर कौन है, तो उसमें हमारा की क्या है? उसमें हमारा सिंपली की है कि जिसके बॉडी पे धारियां हैं वो टाइगर है, तो बॉडी स्ट्राइप जो हैं वो टाइगर की बन जाती है। तो हम की के माध्यम से इस रेड ओक को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में बहुत टाइप की ओक प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, करीब 7 या 8 टाइप की पाई जाती हैं। उनमें हमको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम एक तरीका हो सकता है कि हम पूरा एक होल क्लासिफिकेशन करें, या हो सकता है सिंपल में की मेथड का यूज करें। तो हम आज की मेथड का यूज करके रेड ओक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये रेड ओक की है या कुछ और है, ठीक है, की का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कपलेट्स हैं, ये नंबर 1 कपलेट, नंबर 2 कपलेट, नंबर 3, से 7 कपलेट्स दिए हुए हैं, और एक एक कपलेट में दो दो कीज हैं। अब देखा जाए, पहला जो लीड कह रहा है, वो लीड जो है कह रहा है कि लीव्स विदाउट टीथ और लोब्स, यानी कि लीफ जो है उसमें क्या लोब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल ऐसी लीफ अगर है तो ये सिंगल लीफ है, इसमें कोई लोब नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी लीफ है ऐसे 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 वाली, तो इसमें देखिए इसमें 5 लोब्स हैं। तो हमारी इस लीफ में क्या लोब्स हैं? हाँ लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4, 8 और एक 9 लोब्स हैं इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा लीड है, लीव यूजली विथ टीथ आर लोब, हाँ इसमें है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो ये कह रहा है आगे 5 पे जाइए, अगर ऐसा है तो 5th पे जाइए, तो डायरेक्ट हम 5th पे जंप कर जाते हैं। 5th में देखते हैं, लोब्स और टीथ राउंडेड और ब्लंट पॉइंटेड, नो ब्रिसल्स, ऐसा है क्या? या लोब्स और टीथ ब्रिसल टिप्ड। अब देखते हैं कि ब्रिसल टिप का मतलब ये होता है, जो अगर ये टिप है, टिप पे कुछ ऐसे रोए निकले हुए हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस वाले पे नहीं निकले हुए, इस वाले पे निकले हुए, तो ब्रिसल वाले मतलब ब्रिसल निकले हुए। हम देखते हैं हमारे लीफ में ब्रिसल हैं क्या, तो हमारे लीफ में ब्रिसल्स हैं, बिल्कुल हैं, यहाँ पे ब्रिसल्स हैं, तो ब्रिसल हैं, तो लोब्स और टीथ ब्रिसल टिप्ड, हाँ, तो हमें कहाँ जाना है? 6 पे जाना है, 6 पे जा रहे हैं, इसमें हमें मिल रहा है। लीव्स मोस्टली विथ 3 लोब्स, नहीं हमारे में तो 9 लोब्स हैं, लीव्स मोस्टली विथ 9 लोब्स, तो ये क्या हो गया? नॉर्दर्न रेड ओक, यानी कि क्वेरकस रूब्रा। तो इस तरीके से हमने की का प्रयोग करके पहचान लिया कि वो क्वेरकस रूब्रा है। देखा आपने कितना इम्पॉर्टेंट है कीज। तो इस तरीके से हमने की का भी यूज़ देख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है फ्लोरा, हम डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स भी दिए हुए हैं कि प्लांट के रिकॉर्ड जो हैं वो फ्लोरा में, मैनुअल में, मोनोग्राफ में, कैटलॉग्स में रखे रहते हैं। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, यानी कि अगर मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया का कोई फ्लोरा होगा तो नॉर्दर्न इंडिया का फ्लोरे में उस एरिया के डिफरेंट टाइप के प्लांट का डिस्क्रिप्शन होगा और किस टाइप की जगह पाए जाते हैं, ये होगा कि किस टाइप के जंगल में, पहाड़ी रीजन पाए जाते हैं, ये सब दिया होगा। मैनुअल में क्या होता है कि किसी एरिया के प्लांट को कैसे पहचाना जाए और उनका नाम, यानी कि एक एक प्लांट जो पाएंगे उनका डिस्क्रिप्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, ये होता है। और मोनोग्राफ में क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट टैक्सा हैं उनका ही डिस्क्रिप्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइगर की फैमिली है तो टाइगर की फैमिली जो होगी वो पूरा टाइगर की फैमिली के बारे में पूरा
डिस्क्राइब करने वाला एक मोनोग्राफ हो सकता है सिंगल। इसी तरीके से घास की फैमिली पे पूरा मोनोग्राफ हो सकता है। इस तरह के कैटलॉग्स होता है, कैटलॉग में एक तरीके से डिक्शनरी टाइप का होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिम होता है ताकि आप गिवन एरिया के ऑर्गेनिम को पहचान सकें। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे प्लांट एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है, उनके क्लासीफिकेशन के क्या तरीके होते हैं, उनके क्या होते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, की का यूज भी आपने देखा आज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।